कल एक यूजर हितिक ने कमेंट किया है कि प्लीज मेक ए वीडियो अबाउट इमरजेंसी ब्रेकडाउन टूल्स टू कैरी फॉर ए लॉन्ग ट्रिप। चलिए आइए देखते हैं। हेलो पंच ओनर्स, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा पंच इमरजेंसी टूल किट में आपको क्या क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक 46-in-1 टूल किट रखिए, स्टैनली का टायर पंचर रिपेयर किट रखिए, 6 kg फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, इमरजेंसी कॉप लाइट टॉर्च रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर रखिए। तो ये मैंने टूल किट मंगाया था, मुझे डिस्काउंट में मिला था 354 रुपीज़ का। ये व्हाट्सएप ग्रुप है पंच वेरीफाइड ग्रुप, वहाँ से एडमिन ने पोस्ट किया था तो मैंने देखा और सोचा कि चलो ऑर्डर करके देखते हैं रियल एफ ए के। तो ये रियल डील था और ये मुझे मिल गया 1 day शिपिंग में, क्योंकि मैं बेंगलोर में हूँ तो बेंगलोर में 1 day शिपिंग मिलता है, तो मुझे 2nd day ही मिल गया। तो ये कुछ इस तरह टूल किट है, ये टूल किट अच्छा है, 46 pieces है इसमें। और कार इमरजेंसी ब्रेकडाउन के लिए तो ये हेवन है, क्योंकि इसमें सब कुछ है और इसका MRP कुछ 2000 के ऊपर दिखा रहा है मुझे, और मुझे एक्चुअल में 354 रुपीज़ की लगी रहा है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, ग्रुप में डील पोस्ट की थी तो मैंने देखा और ऑर्डर किया। अभी मैं इसे अनबॉक्स करने वाला हूँ। ये इसका कुछ केसिंग है प्लास्टिक का है, इतना कुछ हार्ड प्लास्टिक नहीं है पर ठीक है, डिसेंट है, 354 रुपीज़ में क्या कंप्लेंट कर सकते हो आप। तो ये कुछ इतने सब सेट्स है 46 से, और इसमें सब स्प्रॉकेट है, मतलब वो सॉकेट जो आपको ओपन करने के लिए लगते हैं, सब MM के है इसमें। तो LN की भी है इसमें, छोटी है लेकिन वो पर ठीक है। और बाद में एडाप्टर से उसके बाद में ये रेंच है, ये फॉरवर्ड और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और उसके एडाप्टर से। तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी टूल किट है और अच्छी डील मिली है मुझे, मैं कब से ढूंढ रहा था पर मुझे मिल नहीं रही थी। मेरे पास बॉश का एक स्क्रू ड्राइवर सेट है तो वो भी अच्छा है, वो भी इसी तरह है पर वो कॉस्टली है ज़रा, टपारिया से बेटर है। तो ये भी, ये स्पार्क प्लग ओपन करने के लिए, ये भी काम की चीज़ है, अगर आप खुद से स्पार्क प्लग क्लीन करते हो तो ये भी सही है। तो ये इसमें सब कवर हो जाता है बेसिकली, आपका एक छोटा मैकेनिक स्टोर हो गया, ये टूल किट हो गया। और इसमें सब है, स्क्रू ड्राइवर से लेके स्क्रू सॉकेट से लेके सब स्प्रॉकेट भी है इसमें, टी सॉकेट के भी स्पैनर से इसमें, बाद में इसके एक्सटेंशन से स्क्रू ड्राइवर भी दिया है लोग ने अलग से। बाद में ये देखो, ये सब स्क्रू ड्राइवर के हेवी है, वो मटेरियल भी अच्छा है, स्टडी है। और तो ये मैंने कुछ इमरजेंसी में रखा है, टाटा ब्रेकडाउन होती है मेरी कार अगर कहाँ हाईवे पे इमरजेंसी पे, तो मुझे बेसिक थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए मेरी कार के बारे में और मैं उसे रिपेयर कर सकूँ या डायग्नोस कर सकूँ। अभी मैंने एक और टूल किट रखता हूँ मैं, ये लीफ फेडर करके कुछ ब्रांड है, ये कैंपिंग टूल किट है, इसमें सब है, नाइफ है और ये स्क्रू ड्राइवर सेट भी है जो पिछले इसमें दिखाया था वैसे ही है, पर इसमें थोड़ा अलग है। ये जो टाटा काजीरंगा एडिशन से भी एक टूल किट आया था वो मल्टी टूल किट करके, ये उससे भी बेटर है और ये हेवी ड्यूटी है, बहुत बहुत हेवी है ये और स्टर्डी है। ये कुछ ऐसे इसे आप नट फिट नहीं करते इमरजेंसी में, ये मुझे, ये कॉस्टली है थोड़ा, ये मुझे अराउंड, ये देखो ये इसका ब्लेड है मतलब नाइफ है, बहुत ही शार्प है, ये कैरी मत करना, कहाँ चेकिंग पोस्ट पे हो गए तो आपको सीज कर लेंगे आपका। ये मैं जब US गया था तभी मैंने ऑर्डर की थी और वहाँ से लेके आया था मैं, TSM चेकिंग के टाइम पे मुझे कुछ बोला नहीं तो मैं ले आया। ये देखो, ये इसमें सब है, ऑल इन वन ये टूल किट है। ये मैंने मेरे कलेक्शन में रखा है सिर्फ, ये यूज़ नहीं कर सकता मैं, कार में भी नहीं रख सकता क्योंकि अगर चेक पोस्ट पे चेकिंग हुई तो फिर वे लोग सीज कर लेंगे। पर ये बहुत ही अच्छा टूल किट है, हेवी है, स्टडी है, इसमें सब मल्टीपल यूज है इसका और उसका पैकेजिंग भी सही है।
उसका पाउच आता है अलग से, ये अराउंड $10 के ऊपर है, $20 या $10। ये एंकर का मैंने पोर्टेबल स्पीकर रखा है कार में, अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है तो अलर्ट साउंड प्ले करने के लिए, क्योंकि हाईवे पे कोई कोई लोग म्यूजिक सिस्टम या मोबाइल में ध्यान रहते हैं उनका। ये मैंने ऐसे ही लिया है, ये मैं पोर्टेबल इसलिए रखा है मैंने, कभी कभी मैं कार में पार्किंग में सॉन्ग सुनता हूँ तो अपने इंफोटेनमेंट से बैटरी डाउन होता है, तो इसके लिए मैंने ये पोर्टेबल खरीद के रखा है। ये मेमोरी कार्ड से भी प्ले करते हैं सॉन्ग्स और अलर्ट्स विलर्ट्स भी प्ले करते हैं अगर इमरजेंसी ब्रेकडाउन हुआ कहाँ तो ये अच्छा है। ये भी मैं जब US गया था तभी से मैंने लाया है। ये क्वालिटी इसका अच्छा है तो ये मैं हमेशा कार में रखता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है ये। और इसमें ब्लूटूथ FM और SD कार्ड रीडर से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, ये सब मल्टीफंक्शनल है, ऑक्स से भी प्ले कर सकते हो आप। तो एंकर का था, अभी मैं आपको फॉग लाइट दिखाने वाला हूँ। ये इमरजेंसी लाइट्स है, ये अलर्ट करते हैं, फ्लैशिंग है इसमें स्ट्रोब लाइट जैसे, और इसको आप अगर आपके बोनट पे लगा सकते हो और कुछ हैंड्स फ्री एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, और नहीं तो ये आप कार के अंडर बॉडी, कभी कभी विलेज एरिया रिमोट एरिया में जाते हो तो आपको लेफ्ट कलर लेफ्ट साइड में दिखता नहीं है कितना स्पेस है, गैप है, वाइट लाइन दिखती नहीं है जजमेंट कभी कभी लेने के लिए, तो आप वो लगा सकते हो नीचे, और बाद में या पीछे भी ट्रंक में अपना डिक्की में रख सकते हो ये, अगर आपको कुछ वायर कट नहीं करना है या प्लग एंड प्ले सिर्फ करना है एक्स्ट्रा लाइट, तो ये आप प्रिफर कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका रियल टाइम एग्जांपल। ये देखो, अगर कार ब्रेकडाउन होती है, आपको इंजन बे में लाइट चाहिए तो आप ऊपर ऐसे लटका सकते हो टांग के, और बाद में इसका थ्रो इतना अच्छा है, तो ये वैल्यू फॉर मनी है और 90 रुपीज़ में मिलते हैं लोकली। तो ये देखो हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस है, देखो फ्लैशिंग भी करता है ये स्ट्रोब लाइट, अगर कार ब्रेकडाउन हो गई तो ये अलर्ट कर देगा। ये कुछ इमरजेंसी टॉर्च रखे हैं मैंने मेरे इमरजेंसी टूल किट में, ये विप्रो का 2 टॉर्च है, ये इतने खास नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है, ये क्वालिटी भी घटिया है और प्राइसिंग भी वर्थ नहीं लगे मुझे, आप कौन सा दूसरा प्रेफर करना। अभी मैंने ये ले लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर है काम के है, लाइट अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है इसका, पर इसमें प्लास्टिक की ग्लास है जिसके वजह से इस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो वो ग्लास मैं बाद में चेंज कर दूंगा प्रॉपर रियल ग्लास से, तो कैसा हो थोड़ा अच्छा स्क्रैचलेस और अच्छा थ्रो दिखेगा। ये सिर्फ इसका थ्रो अच्छा है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, और ये देखो ये प्लास्टिक ग्लास है उसमें, मतलब प्लास्टिक का ये, तो इसके स्क्रैचेस गिरते हैं तो इसका क्लियर नहीं आता विजन। तो ये कुछ मुझे अराउंड 270 का गिरा था, और वो दूसरा वाला भी 290 का, ये कुछ 600 की डील थी, और तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया। और ये दूसरा एक टॉर्च है, ये टॉर्च रेड वाला है वो, ये तो विप्रो का है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिए, और दूसरा एक है रेड वाला, वो कैसा वो स्टैंड है, मतलब 2-in-1 टॉर्च है, वो एंगल उसमें एडजस्ट कर सकते हो आप, और ये भी रिचार्जेबल है, विप्रो का ही है, और इसका भी इतना कुछ खास नहीं है क्वालिटी, वही प्लास्टिक का ग्लास है उनका, स्क्रैचेस गिरते तो दिखता नहीं है, ये कुछ ऐसा खड़ा कर सकते हो उसको, और वो एंगल बीम उसका एंगल वाइज एडजस्ट कर सकते हो, लो बीम हाई बीम है इसमें भी। और बाद में ये इसमें साइड का लैंप है, लैंप का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, पर इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, इसमें लूज कनेक्शन है और इसका सपोर्ट भी नहीं है कहाँ पे, तो मैं बाद में रिपेयर कर दूंगा इसको, उस तो लूज कनेक्शन है वायर में, पर ठीक है, इसका थ्रो ओके डिसेंट है, इसको आप लैंप जैसा यूज़ कर सकते हो, थ्रो भी इतना ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है पर अच्छा है, स्टडी है, क्वालिटी ठीक है, ओके, आप दूसरा एवरेडी या दूसरा किसी का प्रेफर कर सकते हो। और एक लास्ट चीज़ मैं रखता हूँ अपने कार में,
वो है फायर एक्सटिंग्विशर। आप अगर आप इतना मॉड कर रहे हो कार में या कुछ एक्सटर्नल फिटिंग्स लगा रहे हो तो फायर एक्सटिंग्विशर रखना मस्ट है। छोटा मत रखना, जो 300-350 वाला आता है बड़ा वाला लेना। ये मेरा कुछ अराउंड 4000 वाला है, ये रिफिल होता है और ये 6 kg वाला है और ये वारंटी के साथ आता है, मतलब गैस रिफिल का इसका डेट रहता है। तो कुछ इस तरह आप टाटा पंच में ऐसे इमरजेंसी टूल किट रख सकते हो। और फर्स्ट एड किट भी रखना और बाद में एक वायर जंपर भी, बैटरी जंपर भी रखना, रोप रखना टोविंग के लिए। ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करना है रोड साइड इमरजेंसी किट में। ये मेरा स्टैनली का टायर पंचर रिपेयर किट है, ये मुझे कुछ 500 में गिरा था। इसमें ये उसके ट्यूब्स आते, वेट ट्यूब्स है वो, आपको कुछ सोल्यूशन वोल्यूशन की नीड नहीं लगेगी। डायरेक्ट आपको ये जहाँ लीक हो रहा है टायर वहाँ वो छेद करना है और बाद में उसमें पुश करके वो जो ट्यूब है वो डालना है, आपका लीकेज रुक जाएगा। तो ये ऑल्सो एक मस्ट रिक्वायर्ड टूल किट है, स्टैनली का रिपेयर टायर पंचर रिपेयर किट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।